India's nature is 1.3 billion imaginations. So reimagining India, to me, is allowing those 1.3 billion imaginations to thrive. गांधी जी ने देश को जनता की भागीदारी से स्वतंत्र कराया था। अगर भारत को विकसित बनाना है तो आपको जनता की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में शामिल करनी होगी। गरीबों को रोटी मिल जाए दो टाइम की, कारोबार मिल जाए, रोज काम मिल जाए रोजमर्रा, तो गरीबी कहाँ रहेगी उसके बाद। हाँ बाबा जी, नहीं रोजगार चाहिए हमें। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। फर्स्ट रूट पे ही टैक्स जो लगना है लग जाना चाहिए, जो है एक बार लग जाए 100% लोगों को टैक्सेबल चीज मिले, अपने आप ही मिले। नशा पत्ती फर्स्ट ऑप्शन है, उस पे क्लोज होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन ना हो। वी नीड टू ओवरहॉल एंड रीवैम्प आवर एजुकेशन सिस्टम। इलिटरेसी ना हो बिल्कुल भी। चाइल्ड लेबर तो स्पेशली बंद करना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, मतलब इतनी सारी कल्चरल डाइवर्सिटी, लाइक यू कैन बी प्राउड ऑफ इट और यू कैन हेट इट। देयर शुड नॉट बी लाइक एनी काइंड ऑफ कम्युनल राइट्स। भगवान ने तो सबको एक ही भेजा है कि एक व्यक्ति है वो अपने कर्मों का विचार करे, वो ना सोचे कि सबसे पहले मैं हिंदू हूँ और या मुस्लिम हूँ, सबसे पहले सोचे कि मैं इंडियन हूँ। इवन महाभारत में कहा है आत्मवत प्रतिकूलानी परेशान समाचरित, कि वो व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करे है जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगा था। बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत गणे काम करने चाहिए। अपने बेटों को इस तरह से बनाना होगा कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन्स। फीमेल सेफ नहीं है, उनको सेफ फील कराया जाए। ही फॉर शी एंड शी फॉर ही, वी बोथ स्टैंड फॉर ईच अदर, वी शुड हैव इक्वालिटी। द रिच हैव द मेजॉरिटी ऑफ द मनी एंड द पुअर हैव नथिंग। छोटे और बड़े का फर्क खत्म कर देना चाहिए। गरीबों के लिए भी कुछ छूट होनी चाहिए, किसान लोगों के लिए भी छूट होनी चाहिए, और जो आदमी घना परेशान है बीमार है उसके लिए भी होना चाहिए। अभी जो गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं हो रहा है तो मेरे को वो करना है। सिस्टम नीड्स टू चेंज। पारदर्शिता पर बल देना पड़ेगा। जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लीडरशिप है, एजुकेशन है, उसका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि क्या हमने अंतिम व्यक्ति को मुस्कुराने का, इस देश के लिए खुश होने का, इस झंडे को फहराने का गौरव प्रदान किया है कि नहीं। यही हमारे सपनों का भारत होगा। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है, और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है।